हाय गाइस, वेलकम बैक टू पिंकीज चैनल। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है लादी पाव। होल व्हीट ग्रेन के साथ मैं बनाने वाली हूँ, गेहूँ के आटे से। तो मैंने सोचा आप लोगों के संग भी शेयर कर लूँ। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग घर में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो ही रही है। तो मैंने भी सोचा कि एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया है, होप आप लोगों को पसंद आए। चलिए देख लेते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप गेहूँ का आटा, 10 ग्राम ईस्ट, 1/2 कप पाउडर मिल्क, 50 ग्राम बटर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, वाइट शुगर एंड ब्राउन शुगर, और 1 से 1.5 कप पानी लेंगे डो बनाने के लिए और मिल्क पाउडर को दूध बनाने के लिए। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को, जो आटा है और मैदा है, उसको हम छान लेंगे। सॉल्ट और शुगर मिला के सीव की सहायता से, हम इसे छन्नी की सहायता से इसे हम छान लेंगे ताकि उसके अंदर कोई भी गांठें या कुछ लम्स ना हो। ऐसा करने से डो काफ़ी अच्छा बनेगा, स्मूथ और फाइन बनेगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे, अभी ये हमारा रेडी हो गया। अब हम थोड़ा मिल्क भी बना लेते हैं, 1/2 कप पानी डाल के, 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के इसको हम अच्छे से घोल लेते हैं। घोलने के बाद अब इस डो की तरफ चलते हैं और डो बनाते हैं। इसके अंदर हम ये 10 ग्राम के हिसाब से ईस्ट है, तो ये मैंने 10 ग्राम के हिसाब से ईस्ट लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इंस्टेंट ईस्ट है तो इसे पानी में घोल के या दूध में घोल के बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जब डो को नीट करोगे, मैश करोगे, तो अपने आप ही मिक्स हो जाएगा। अब हम ये मिक्स की दूध की सहायता से अब डो को हम धीरे धीरे दूध डालते हुए दूध की सहायता से इसे हम डो बनाएंगे। इसका इकट्ठे नहीं डालेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते हुए इसका अच्छा सा स्मूथ एंड सॉफ्ट एक डो बना लेंगे। अच्छे से एकदम, जब जितना हम इसे अच्छे से नीट करेंगे उतना ही अच्छा सॉफ्ट एंड अच्छे से मिक्स करते हुए इसे अच्छा सा स्मूथ डो बना लेंगे। अब इसके अंदर हम 32-35 ग्राम बटर मिलाएंगे, फिर उसके अंदर हम उसको वापस उसको नीट करेंगे। आप चाहें तो मेल्ट करके भी बटर डाल सकते हैं। ये ऑलरेडी सॉफ्ट था बटर, क्योंकि मैंने इसे फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया था, तो ये सॉफ्ट हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको मेल्ट नहीं किया। आप चाहे तो मेल्ट भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से स्मूथ एंड सॉफ्ट डो बना लेंगे। देखिए एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट डो बन गया। अब इसके अंदर जो बचा हुआ मिल्क है वो भी हम डाल के अच्छे से नीट कर लेंगे। हम अच्छे से नीट करके एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखिए एकदम तैयार है, एकदम सॉफ्ट डो तैयार है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, ऐसे प्रेस करते हुए अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। एक बड़ा सा गोला बना के सर्कल करते हुए, चारों तरफ से ऐसे फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ खींच के एक बड़ा सा गोला तैयार कर लेंगे। अभी देखिए हमारा एकदम स्मूथ सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना हो, ऊपर से स्मूथ ही रहे। ताकि ये पपड़ी ना जमे, जो हार्डर पपड़ी आटा गूंथने के बाद अगर आप उसे छोड़ दो तो जम जाती है, तो स्मूथ रहे इसके लिए मैंने इसके ऊपर बटर लगा दिया है। अब इसे मैं रैप करके, रैपिंग पेपर से रैप करके, आप चाहे तो कपड़े से भी ढक सकते हैं, गर्म जगह पर रख देंगे। मैंने माइक्रोवेव को 20 मिनट तक गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी माइक्रोवेव ऑफ करके, फिर सर्कल करते हुए फोल्ड कर कवर करके, और इसे मैं माइक्रोवेव, देखिए आफ्टर 1.5 आवर मैंने इसे छोड़ दिया था माइक्रोवेव के अंदर,
ये देखिए कितना अच्छे से फर्मेंट हो गया है ये। अब मैं हथेलियों पे अपने पाम पे अपने बटर लगा के थोड़ा इसको वापस 1 से 2 मिनट तक नीट करूँगी। मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से, अच्छे से बाइंड कर लेंगे चारों तरफ से, क्योंकि हाथों में चिपक रहा है इसका मतलब, क्योंकि इसके अंदर आटा है इसलिए, गेहूं का आटा है इसलिए, मैदा होता तो ये नहीं चिपकता हाथ में। अब मैं अपने पाम पे बटर लगा के और छोटे छोटे सर्कल बना लूँगी ऐसे। रोटी से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा बनाएंगे और पाव का शेप देके इसका सर्कल बना लेंगे ऐसे। और मैंने पहले से ही बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके और उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है, लेकिन मैं ये बेकिंग ट्रे यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये मेरे ओवन में नहीं जा रहा है, मेरा ओवन का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो मैंने फिर ये पेड़ों को बना के मैंने छोटे से बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था, जो छोटे से बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिया था, वो राउंड शेप में है तो उसमें वो अच्छे से फिट हो गया, तो फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया। तो ऐसे सर्कल करते हुए और थोड़े थोड़े गैप भी छोड़ देंगे हम, ताकि जब ये हमारा डो वापस फूले तो अच्छे से शेप ले पाए। तो इसी तरीके से अपने पाम की सहायता से सारे डो का हम पाव बना लेंगे। और देखिए हमारा पाव रेडी है, अब इसे हम वापस फिर से 30 से 40 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अब 40 मिनट्स के बाद ये देखिए ये फूल के ऐसा हो जाएगा, थोड़ा और फर्मेंट हो जाएगा, सेट हो जाएगा अच्छे से। फिर इसके ऊपर हम जो बचा हुआ बटर है वो थोड़ा ग्रीस कर देंगे ताकि जब हम इसको बेक करें तो जले नहीं और हार्ड ना हो। और मैंने पहले से ओवन प्री हीट कर लिया है 200 सेंटीग्रेड पे, और इसे मैं वापस 200 सेंटीग्रेड पे बेक करने वाली हूँ। मैंने अभी बेकिंग ट्रे को अंदर डाल दिया है और इस 200 सेंटीग्रेड पे 30 से 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे हम। ये देखिए हमारा पाव बन के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम वापस से बटर ग्रीस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म है, तो अभी से हम इसको नहीं निकाल सकते, तो इस पर वापस बटर ग्रीस करेंगे। और बेकिंग टाइम जो है वो डिपेंड करता है ओवन के ऊपर भी, तो 20 मिनट्स में भी ये बन के तैयार हो जाता है। मेरा तो टाइम लगा था क्योंकि 30 से 40 मिनट्स कंप्लीट लगा था बेक करने में। अब वापस मैं इसको गीले कपड़े से ढक के 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। और जब मैं उसके बाद जब ये देखिए हमारा कितना सॉफ्ट निकल के तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।